फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका कुकिंग चैम्प्स में। आज हम बनाएंगे कैबेज पकोड़ा। तो इस पकोड़े को बनाने के लिए हम एक बोल में 1.5 कप कैबेज ले लेंगे कटी हुई। फिर हम इसमें आधी मीडियम साइज्ड प्याज डालेंगे स्लाइस की हुई। फिर 1/4 टीस्पून जीरा डालेंगे, 1/2 टीस्पून अजवाइन डालेंगे। फिर हम इसमें 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर डालेंगे, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर डालेंगे और 2 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ धनिया का पत्ता डाल देंगे। फिर हम इसमें 3/4 कप बेसन डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमें स्क्वीज करते हुए मिक्स करना है ताकि कैबेज में जो एक्सेस ऑफ वाटर है और जो वाटर वो रिलीज करती है वो निकल जाए। एक बार हमने सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लिया, फिर हम इसमें 1 टेबलस्पून पानी डालेंगे। सिर्फ 1 टेबलस्पून डालना है, उससे ज्यादा नहीं डालना है, और इसे अच्छे से दोबारा मिक्स करना है। और हमारा कैबेज पकौड़ा का बैटर बिल्कुल रेडी है। हम इस बैटर का छोटा सा बॉल बनाएंगे। अगर बॉल अच्छे से बाइंड हो रहा है तो हमारा बैटर बिल्कुल तैयार है। फिर हम इसमें 1/2 टीस्पून नमक डाल के अच्छे से मिला लेंगे। नमक डालने के बाद कैबेज और भी वाटर रिलीज करेगा, तो इसे तुरंत फ्राई करना हमें। तो इसे हम मीडियम टू हाई फ्लेम पे फ्राई करेंगे और तेल का टेम्परेचर ऐसे अपने हाथ से चेक करेंगे। अगर स्टीम आ रही है तो हम हमारे पकौड़े के छोटे छोटे बॉल बना के तेल में छोड़ देंगे। फिर करीब 1.5 मिनट बाद हम हमारे पकौड़ों को पलट लेंगे ताकि वो दूसरी तरफ से भी अच्छे से फ्राई हो जाए। हमें इन पकौड़ों को ऐसा हल्का सा प्रेस करना है ताकि वो अंदर से अच्छे से पक जाए, कच्चे ना रहे। फिर जब हमारे पकौड़े गोल्डन ब्राउन और क्रिस्पी हो जाए तो हम इसे ऐसे निकाल लेंगे। बाकी के पकौड़ों को भी हम ऐसे ही फ्राई कर लेंगे। और हमारे कैबेज पकौड़ा बनके बिल्कुल तैयार है। आप इसे टमाटो केचप और ग्रीन चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। आप इसे जरूर ट्राई करें, और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड कुकिंग चैम्स को सब्सक्राइब करें।